इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने किसी भी दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन का, तो ये सेटिंग क्या होता है और इसको जो है दोस्तों कैसे यूज किया जाता है ऑन करके या फिर सेट करके, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सेटिंग आपको मिलेगा कैसे और कहाँ पर, तो अगर आपको यहाँ पर IQ Z6 Lite 5G का मोबाइल है तो जब आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाएंगे तो और फिर नीचे आएंगे तो नीचे आने पर डायनेमिक इफेक्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पर ये फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है। और अगर आपका दोस्तों कोई दूसरा मॉडल है या फिर दोस्तों अगर आपका वीवो का फ़ोन है तो उसमें कुछ दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं कि अगर आपके फ़ोन में फेस लॉक सेट है तो आप देखते होंगे दोस्तों कि फेस लॉक जब सेट रहता है तो जब आप स्क्रीन लॉक रहता है और जब आप स्क्रीन को ऑन करते हैं पावर बटन को दबाकर तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेशन दिखता है। अगर आपके फ़ोन में कोई एनिमेशन सेट नहीं होगा तो इस तरीके से दिखेगा। जैसे देखिए मैं स्क्रीन लॉक फिर ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमेशन दिख रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ से यही सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का एनिमेशन फेस लॉक पर आपको दिखना चाहिए। अगर आप देखिए इस वाला को सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का एनिमेशन आपको फेस लॉक पर दिखेगा। जब आप स्क्रीन लॉक रहने पर स्क्रीन को ऑन करेंगे तो इसको सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का एनिमेशन, देखिए साइड आएंगे तो और ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का एनिमेशन दिखेगा। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है। अब देखिए मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ, ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो एनिमेशन दिख रहा है जो वहाँ पर मैंने सेट किया था। तो इस तरीके से आप दोस्तों यहाँ से दोस्तों मतलब जो है फेस लॉक का एनिमेशन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोस्तों अपने किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन सेटिंग को यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा।